नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 20। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की। आगरा उत्तर प्रदेश में सड़कों के सुधार और यातायात कुप्रबंधन को रोकने के लिए याचिका दायर की। सिविल सोसाइटी आगरा ने याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड, शहीद नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण आदि की जवाब किया तलब। आगरा महानगर की यातायात व्यवस्था बदहाली के चरम पर है। सिविल सोसाइटी आगरा के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई याचिका नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा, विकास प्राधिकरण आगरा, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जनरल मैनेजर, मुख्य अधिशासी को स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। साथ ही इस सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ, जिसकी तैयारी पड़ी है। आज कोर्ट की शरण में जिसलिए जाना पड़ा है, क्योंकि आप इस बार क्वेश्चन उठा सकते हैं कि मैं पार्षद हूँ, सदन में क्यों नहीं, तो सदन में भी उठाए लेकिन सुनवाई नहीं होती, इसलिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी सिविल सोसाइटी के माध्यम से। तो इसमें सबसे जो ट्रैफिक की हालत जो हो रही है आगरा के अंदर, सड़कों की जो हालत हो रही है, आप नगर निगम से ही निकल के वजीर में होते हुए गड्डिया की तरफ आएंगे तो आप सैकड़ों गड्ढे मिलेंगे, आप पूरी सड़क टूट पड़ी, बारे तक जाएंगे तो टूटी पड़ी है। ये हालत ऐसी हो गई है, कोई कानून कह दीजिए, लेटर दे दिए, कितने सारे लेटर रखे हैं सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन कोई सड़क बनाने वाले को तैयार नहीं होता। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी हूँ। आज हमने शहर के दो ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए हुए हैं। हमने PIL डाली थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो सड़कें हैं आगरा की, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं।